हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा जाली डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिजाइन को आप जेंट्स, लेडीज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 12 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 12 फंदे गिन लीजिए, फिर से 12, फिर से 12, इस तरह से 12-12 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 10 सिलाइयों का डिजाइन है और 20 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट पर आपको फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ाकर और फिर सीधी साइड से डिजाइन को शुरू कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई, वही पहली सिलाई मैं आपको यहाँ से बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 39 यानी 39 फंदे, 12 के मल्टीपल करके और इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा। अब यहाँ से डिजाइन की पहली सिलाई है और मेरे पास यहाँ पर 39 फंदे हैं। तो ध्यान से देखिएगा डिजाइन की पहली सिलाई कैसे बनेगी। पहला फंदा इसका एस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, कोई भी बॉर्डर बनाइए। उसके बाद सीधी साइड से डिजाइन को ऐसे ही शुरू करना है। एस्टिच को उतारिए या उल्टा बनाइए, उसके बाद धागा पीछे कीजिए और एक फंदा आप ऐसे सीधा बना दीजिए। एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागे को ऐसे अपनी तरफ ले आइए। धागे को अपनी तरफ करने के बाद ये देखिए, एक फंदे को इस तरह से लेंगे और पलट के ऐसे सीधा कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से दो फंदे में सिलाई डालेंगे और दो फंदे का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब ये देखिए, यहाँ हमने जब दो का एक किया तो एक फंदा कम हो गया और यहाँ पर जाली से फंदा हमारा बढ़ गया। तो जो फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। अब हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 फंदे सीधे बनाने के बाद दो फंदों को आप ऐसे हल्का सा लूज कर लीजिए, आगे से सिलाई डालिए और दो फंदे का एक फंदा बना दीजिए। अब यहाँ पर दो का एक करने से एक फंदा कम हो गया, धागे को अपनी तरफ ले आइए और फिर एक फंदा आप सीधा बना दीजिए। जो फंदा यहाँ पर घटाया वो हमने जाली से यहाँ बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखिएगा, एस्टिच और एक फंदा सीधा, ये दो फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने ये 12 फंदे का डिजाइन बनाया है। ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। अब इसी डिजाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए, मैं डिजाइन को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे में सिलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे। फिर हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर दो फंदे को हम ऐसे हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे। अब दो का एक करने से फंदा यहाँ पर कम हो गया, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा हम ऐसे सीधा बना देंगे। अब जो फंदा यहाँ दो का एक करने से कम किया वो हमने जाली से यहाँ बढ़ा दिया। फिर से हम डिजाइन को रिपीट करेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे,
एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर हम देखिए यहाँ जो दो का एक किया, यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया, सात फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। सात फंदे सीधे बनाने के बाद ये देखिए इन दो फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के दो फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। दो का एक करने से एक फंदा कम हो गया, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा यहाँ सीधा बना देंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया। आपके जितने भी फंदे हों यही 12-12 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाना है। लास्ट में आपका एक फंदा बचेगा, इसे आप उल्टा ही बना दीजिए। तो डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। इस डिजाइन में उल्टी साइड की सभी सिलाइयां बिल्कुल उल्टी ही बनेंगी। धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए दूसरी सिलाई को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दिया है। तीसरी सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। तीसरी सिलाई को आप फिर से ध्यान से देखिए। पहला फंदा एच स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये दो। पहले हमने ये एक बनाकर यहाँ जाली बनाई थी, अब ये जो जाली से बना है इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और धागा अपनी तरफ है, बैक साइड से दो फंदे में सिलाई डालेंगे और दो का यहाँ एक फंदा बना देंगे। दो का एक करने से जो फंदा कम किया वो जाली से बढ़ा दिया। अब हम पाँच फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। अब देखिए एक और ये दो, इन दोनों फंदों को हम हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, यहाँ पर देखिए ये जाली, ये फंदा और ये जाली, इन तीनों को हम सीधा बुनेंगे। देखिए एक, दो और ये तीन। अब फिर से हम देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे में सिलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे। आगे आगे आपको डिजाइन को ऐसे ही बुनते हुए जाना है। पांच फंदे अब हम सीधे बुन देंगे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। अब देखिए एक फंदा ये और एक ये, इन दोनों को हम हल्का सा लूज करेंगे और आगे से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का हम एक फंदा बना देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, देखिए ये जाली, ये फंदा और ये जाली, इन तीनों को हम सीधा बुन देंगे। तो जो फंदा हम घटाते हैं वो जाली से हमारा साथ के साथ बढ़ जाता है। आपके जितने भी फंदे हों आगे आगे इस डिजाइन को आप ऐसे ही बनाते जाइए। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से दो फंदे का एक बना देंगे। फिर हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। अब ये जो दो फंदे हैं इनको थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और लास्ट में देखिए ये जाली और ये सीधा फंदा, इन दोनों को हम यहाँ सीधा बुन देंगे। तो यहाँ जाली से फंदा हमारा बढ़ गया है। अब जो एज स्टिच है इसको हम उल्टा बुन देंगे। तीन सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई को उल्टी साइड से हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए चार सिलाइयां डिजाइन की कंप्लीट हो गई। पांचवी सिलाई सीधी साइड पर। पांचवी सिलाई को देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ पर एक,
दो और ये तीन फंदे हमारे सीधे आ गए। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक दो और ये तीन फंदे हम बीच में सीधे बनाएंगे, फिर दो फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ एक दो तीन चार और ये पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे। यहाँ पर फंदे कम हो रहे हैं, यहाँ पर जाली से फंदे बढ़ रहे हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा यहाँ बना देंगे, फिर तीन सीधे, एक दो और ये तीन, दो फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ और पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे और बैक साइड से धागा अपनी तरफ और दो का एक कर देंगे। जो फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया, एक दो और तीन फंदे सीधे। फिर से हम दो फंदे को लूज करेंगे और आगे से सिलाई डालकर दो का एक करेंगे और लास्ट में देखिए धागा अपनी तरफ करके हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और ये तीन। धागा अपनी तरफ और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। पांच सिलाइयां डिजाइन की कंप्लीट हो गई, छठी सिलाई और उल्टी साइड से। इसे हम धागा अपनी तरफ करके और उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छह सिलाइयां डिजाइन की कंप्लीट हो गई, सातवीं सिलाई है और सीधी साइड है। सातवीं सिलाई को देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे और अब एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब बीच में एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे को हल्का सा लूज करेंगे और आगे से सिलाई डाल के दो का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट के सीधा करेंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे। अब बीच में एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे। फिर एक फंदा सीधा, दो फंदे को हल्का सा लूज कर देंगे और आगे से सिलाई डाल के दो का एक बना देंगे। लास्ट में धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए, एक दो तीन और चार फंदे सीधे, स्टिच को उल्टा बुन देंगे। यहाँ पर हमारी सात सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई, आठवीं सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आठ सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई, नौवीं सिलाई है और हमारी सीधी साइड है। यहाँ तक का डिजाइन हमारा दस सिलाइयों में बनता है। तो अब नौवीं सिलाई पर पहला फंदा एज स्टिच है, धागा पीछे करेंगे और पांच फंदे सीधे, एक दो तीन
चार और ये पांच। ये पांच फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम थोड़ा सा लूज करेंगे और फिर पलट देंगे। अब इन तीनों फंदों को हम फिर से थोड़ा सा लूज कर लेंगे, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से तीन फंदे में सिलाई डालेंगे और तीन का हम एक फंदा यहाँ पर बना देंगे। लूज इसलिए करेंगे ताकि तीन का एक करने में हमें आसानी हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने जब धागा अपनी तरफ करके तीन का एक किया तो दो फंदे कम हुए हैं, एक फंदा यहाँ जाली से बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हम नौ फंदे सीधे बनाएंगे तो एक फंदा हमारा इस साइड पे बढ़ जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। तो ये देखिएगा, यही डिजाइन हम फिर से रिपीट करेंगे। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये जो फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे और इन तीन फंदों को हम लूज करेंगे ताकि तीन का एक करने में आसानी हो। धागा अपनी तरफ है और तीन फंदे में हम बैक साइड से सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और तीन का यहाँ पर हम एक फंदा बना देंगे। तीन का एक करने से दो फंदे कम होते हैं, एक जाली यहाँ पर आ गई, धागा अपनी तरफ करके अब नौ फंदे हम सीधे बनाएंगे तो एक जाली हमारी यहाँ आ गई। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। अब फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और तीन फंदों को हम फिर से ऐसे लूज करेंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और यहाँ हम तीन का एक फंदा बना देंगे। जब हम तीन का एक करते हैं तो दो फंदे कम होते हैं। धागा अपनी तरफ करके तीन का एक करने से एक जाली यहाँ आ गई और लास्ट में धागा अपनी तरफ करके और यहाँ हम एक, दो, तीन, चार और पांच फंदे सीधे बनाएंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये नौ सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट होती हैं। दसवीं सिलाई को हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन 10 सिलाइयों में हमारा यहाँ तक का डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें इन्हीं 10 सिलाइयों को फिर से रिपीट करना है। जब हम डिजाइन को रिपीट करते हैं तो सिर्फ हमारी डिजाइन की जगह चेंज होती है। जो हमारी जाली यहाँ पर बनी है वो जाली हमारी फिर यहाँ पर बनेगी। जो हमने जो दो का एक किया वो हमारा इधर की साइड पर होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ इतना ही अंतर आएगा। तो फिर अब हमारी जो 11वीं सिलाई है इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे बनाओगे। अगर आपने 11वीं सिलाई को समझ लिया तो आगे आपको डिजाइन रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान से देखिएगा कि 11वीं सिलाई कैसे बनेगी। पहला फंदा स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए, एक, दो, तीन और ये चार। स्टिच के बाद चार फंदे सीधे बनाएंगे, फिर दो फंदों को हम ऐसे लूज करेंगे, आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब देखिए, ये जो हमने तीन का एक किया था, इस फंदे के दोनों साइड हमारी जाली आ जाएगी। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को अब हम सीधा बुन देंगे। तो जो दो का एक किया, एक जाली यहाँ पर आ गई, धागा अपनी तरफ कर देंगे, इस फंदे को अब हम पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा हम यहाँ बना देंगे। तो जो दो का एक किया वो जाली से हमने बढ़ा दिया। अब हम फिर से सात फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। फिर से देखिए, एक और ये दो। इन दो फंदों को हम ऐसे लेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और दो का
एक कर देंगे। अब ये जो फंदा है इसके दोनों साइड जाली आ जाएगी, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो देखिए यहाँ जाली आ गई, फिर हम धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को पलट के हम सीधा कर देंगे और अपनी तरफ धागा करके बैक साइड से दो का एक कर देंगे। तो दो का एक करने से फंदा कम हो गया और यहाँ जाली से बढ़ गया। फिर से हम सात फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। फिर हम दो फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, देखिए ये जो तीन का एक किया था इसके दोनों साइड जाली आएगी। तो धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाया तो इधर जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब लास्ट में ये चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार, और एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई, 12वीं सिलाई को आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 12 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी 13वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 13वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहला फंदा एच स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे। अब यहाँ तीन फंदे सीधे आएंगे, एक दो और ये तीन, और इन दो फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और यहाँ हम दो फंदे का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ देखिए ये जाली, ये फंदा और ये जाली, इन तीन को सीधा बुनेंगे, एक दो और ये तीन। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट के सीधा करेंगे और बैक साइड से दो का एक कर देंगे। और अब पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर हम दो फंदे को इस तरह से लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। फिर हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, इन तीन को सीधा करेंगे, ऐसे करते हुए हम पूरी सिलाई को बुन देंगे। यहाँ लास्ट में भी देखिए, यहाँ जाल डालने के बाद इस फंदे को पलट के हम सीधा करेंगे और दो को एक कर देंगे। इस तरह से करते हुए सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 14वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 14 सिलाइयाँ कंप्लीट होती हैं और 15वीं सिलाई है सीधी साइड। अब 15वीं सिलाई को भी देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे, एक और ये दो फंदे सीधे बनाएंगे। अब दो फंदे को हम लूज करेंगे और आगे से सिलाई डाल के दो का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर हम यहाँ पर तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और ये तीन। फिर दो फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये पांच फंदे सीधे, ऐसे करते हुए हम 15वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर 16वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 16 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 17वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 17वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा आप सीधा बनाइए, इन दो फंदों को इस तरह से लूज कीजिए, आगे से सिलाई डालिए और दो फंदे का एक बना दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और ये देखिए धागा अपनी तरफ है, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात फंदे
सीधे बनाइए। सात फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को ऐसे पलट दीजिए और बैक साइड से दो फंदे का आप एक फंदा बनाइए, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे में ऐसे सिलाई लूज करने के बाद आगे से सिलाई डालकर दो का एक कर दीजिए। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर धागा अपनी तरफ करके हम सात फंदे सीधे बनाएंगे, फिर आगे आगे सिलाई को रिपीट करते जाएंगे और 70वीं सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। 18वीं सिलाई उल्टी साइड से आप बिल्कुल उल्टी बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 18 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 19वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 19वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा और ये वाला, इन दोनों को हम हल्का सा लूज करेंगे और आगे से सिलाई डाल के इन दो का हम एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और अब हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये 9 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लीजिए और ये जो 3 हैं, इन 3 का हमें एक करना है। इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, धागा पहले ही अपनी तरफ कर लेना है। तीनों फंदों को अब हम इस तरह से लूज करेंगे, फिर बैक साइड से 3 फंदे में सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और 3 का यहाँ पर हम एक फंदा बना देंगे। 3 का एक करने से 2 फंदे कम हुए तो एक जाली यहाँ पर आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 9 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम पलट देंगे और 3 फंदों को लूज करेंगे और बैक साइड से धागा अपनी तरफ है और 3 का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो 3 का एक करने से जो 2 फंदे हमारे कम हुए, वो देखिए, जब हम इस तरह से धागा अपनी तरफ करके 3 का एक बनाते हैं तो एक जाली हमारी यहाँ आ गई और फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब लास्ट में देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ आपके 3 फंदे हैं, इस फंदे को हम पलट देंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे और इन 2 का हम एक फंदा बना देंगे और धागा अपनी तरफ करके एस्टीज को हम उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारी 19 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 20वीं सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 20 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 20-20 सिलाइयों को जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो इस तरह से बर्फी की शेप में ये जाली डिजाइन आपका बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए ये देखिएगा, यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से बुनकर बताया, सेम आपको यहाँ से बुनना है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। पहला फंदा एस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, एक फंदा आप सीधा बना लीजिए, धागा अपनी तरफ ले आइए, इस फंदे को पलट के सीधा कीजिए, 2 का एक कर दीजिए। तो धागा अपनी तरफ करके जब आप 2 का एक करेंगी तो एक जाली आ जाएगी। फिर 7 फंदे सीधे बनाइए, फिर आगे से सिलाई डालकर यहाँ 2 का एक कर दीजिए। ये वाला जो फंदा है, देखिए, जो 3 का एक किया, इसके इधर भी जाली आ जाएगी और यहाँ धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट के 2 का एक करेंगे तो एक जाली इधर आ जाएगी। ये 2 का एक करने के बाद फिर ये 7 फंदे सीधे आ जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।